अलैकुम, यहाँ मैंने कुछ पट्टे डाले थे फिंचेस के जो बड़े हो गए थे, और मैं अब चेक करती हूँ क्या उन्होंने अंडे दिए हैं, क्योंकि उनका पेयर बन रहा था। ये देखिए, जबरदस्त, इन्होंने दो अंडे दे दिए हैं, मतलब पेयर बन चुका है इनका। और यहाँ पे अब देखते हैं कौन सा पेयर इसमें जाता है। वैसे तो मुझे मालूम है कि इसका पेयर कौन सा, एक ब्लैक है और एक वाइट है, तो आप भी देख लीजिए। ये देखें, ये इसके अंदर गया पेयर, ब्लैक वाला जा रहा है, एक ज़ेब्रा ब्लैक में जो है। ये देखें, क्योंकि अंडों की केयर ज़्यादातर मेल रखता है, मैंने आपको भी बताया था पिछले ब्लॉग में कि वो ज़्यादा केयर करता है। ये ब्लैक वाला आई थिंक ये मैन मेल है, दो ब्लैक हैं इसलिए मैं थोड़ी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। दोनों एक जैसे हैं, जो थे मतलब साथ ही थे, तो इस वजह से ये वाली ब्लैक ज़ेब्रा जो है वो मेल है यहाँ का, और फीमेल वाइट कलर की है जो अभी थोड़ी देर में आएगी, जो खुद केयर करती है इधर की। ये देखें, आपको ऊपर नज़र आ रही होगी फीमेल, यही है इसकी फीमेल जो इसके ऊपर बैठी हुई है। बहुत प्यारी और खूबसूरत सी फिंचेस हैं, और इनकी चिक्स और भी ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। चलें, अच्छा मैं अभी जाना चाहती हूँ, मुझे आपको दिखाना था कि मैंने जो पेयर बनवाए थे वो बन गए हैं, तो मुझे इस बात से खुश हुई, क्योंकि नीचे जो फिंचेस ने बेबी सीए थे जो बड़े हो गए थे वो मैंने ऊपर कर दिए थे, तो कुछ ऊपर मेल थे, नीचे से फीमेल भेजे मैंने, तो उनका आपस में पेयर बन गया, और फिर पेयर पहला पेयर तो कामयाब हो गया जहाँ ये अंडे हुए हैं। बाकी एक दो पेयर और हैं जो अभी बनने हैं यहाँ पे, और ये मेरा बहुत पुराना पेयर है जो बैठी हुई है स्किन वाली, इसी से ज़्यादातर जो हैं ये फिंचेस आगे बढ़ी हैं। चलें, अच्छा आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।